साहू जी, अंबिका मरकाम जी, भाई मोहन ललवानी जी, भाई पंकज जी, भाई शरद जी, विजय देवांगन जी, नरेश जसूजा जी, योगेश जी, अमरदीप साहू जी, नम्रता पवार जी, अनुराग मसीह जी, निशु चंद्राकर जी, कविता बाबर जी, वीरेन कुसरिया जी, रविंदर छाबड़ा जी, राजा देवांगन जी, कृष्णा मरकाम जी, विद्या जी, राजकुमारी दीवान जी, राजेंद्र तिवारी जी, आनंद पवार जी, मंचस्थ सब अतिथि मन, सबसे पहले बिलई माता ओंकार मोती माता ला प्रणाम करते हुए धरती धमतरी के पावन भूया ला प्रणाम करते हुए आप सब लोग नमस्कार, जय जोहार, राम राम। आज पट्टाभिक्रम के कार्यक्रम है, और साथ साथ और बहुत अकन कार्यक्रम में शामिल होने के अवसर मिली। छत्तीसगढ़ ला समृद्ध बनाना है, छत्तीसगढ़ ला मजबूत बनाना है, छत्तीसगढ़ ला ताकतवर बनाना है। ओकर बर जरूरी है कि यहाँ के जिन लड़का मन है, यहाँ के सियान मन है, यहाँ के दीदी बहनी मन है, हमारे बेटी माई मन है, ये मन है शारीरिक रूप से सक्षम हो, ताकतवर हो। एक बार जरूरी है मुख्यमंत्री सुपोषित छत्तीसगढ़ योजना हम शुरू करें ना, में यहाँ के दानदाता मन लगभग 30 लाख रुपया दे, तो सबसे पहले से दानदाता मन के नाम से एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप सबसे आग्रह, समाज एक से जुड़त है, और लड़का हमारे मन के लड़का है, छत्तीसगढ़ के लड़का है, वो मन शारीरिक रूप से मजबूत हो, तब तो भविष्य हमार मजबूत हो ही। हमार बेटी मन है, हमार बहनी मन है, जिन 14 से 49 साल के उम्र में है, तेमें तेका शरीर में खून की कमी है, एला दूर करे बर भी ये योजना चालू किए गए। ओकरे साथ साथ आज हम निरीक्षण करें हॉस्पिटल गए रहें, शहरी स्लम योजना के मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, जेकर माध्यम से हम देखते हैं कि गांव मन में तो हम हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू करे हैं, चाहे वो बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, बहुत अच्छा होगा रिजल्ट है। इस ओपीडी 10 गुना से आगे ज्यादा बढ़ीस, और उसका फायदा का हुई, बहुत लंबा चौड़ा बताया कि जरूरत नहीं है। इस साल बस्तर में जब का पहली पानी गिरा थी से तेकर से दुगुना पानी गिरे है, 200% पानी गिरे लगभग। अब तुमन धमतरी वाला मन तो बस्तर की मुहाटी में बैठे हो, ये मुख्य द्वार है बस्तर के, जब बस्तर के कोई घटना होती तो धमतरी वाला मतलब पहली पता चलते। आन साल हम देखत रहे कि जहां बरसात शुरू होत रही से और बरसात के आखिरी में बहुत जन मन उल्टी दस्त से कतको जन बीमार पड़ जात रही से, कतको जन के मौत हो जात रही से। ये पहले साल है जिन्हें एक भी घटना एक भी शिकायत पूरा बस्तर में नहीं मिले, ये योजना सफलता ये है। शहर में भी हम महसूस करें कि हमारे जिन मजदूर साथी मन है, जिन सुबह से निकलते शाम तक के अपन काम धाम में लगे रहते, स्वास्थ्य के प्रति उतिक ध्यान नहीं दे पाए, हॉस्पिटल जाए के समय और मन कर नहीं रहा है, तो कह सकते हम शहरी स्लम एरिया में भी क्लिनिक शुरू करे हैं, जेकर बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कि जिन आज लड़का मन जिन विकलांग होते बाल्यकाल से हो जाते, मातारी बाप मतलब पता नहीं रहा है, लेकिन जब डॉक्टर ले दिखा दे पता चलता है, एक जन लड़का ऐसे जन देश है जिन एक महीना खड़े विकलांगता कर दे से डॉक्टर देखे तो पकड़ में आ गए, ओला हम अभी सम्मानित भी करें। तो ये प्रकार से जिन योजना है तेकर लाभ ज्यादा से ज्यादा शासन के पैसे तो लगते, लेकिन अब हॉस्पिटल है जिन डॉक्टर है तेन आप मन के दरवाजा में जात, से काफी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के आम गरीब जनता लेकर से मिला थे। दूसरा जिन योजना के बारे में चर्चा चला थे, जेकर बारे में अभी हमारे लड़की जिन हाई स्कूल में पढ़ते का नाम होकर लड़के भी भाषण देख गई से विभाषा हो, अचानक
यहां तुम्हें अचानक बोले पर बुला ले, लेकिन वो कलेक्टर है, वो व्यवस्था करी इस स्कूल के लड़का मन जाके गांव में देखा हंचलपुर गांव में जाके जिनका उठान है जे नरवा है गरवा है गुरुवा और बारी योजना है तेकर अध्ययन करी सम्मान करे। अचानक मैं पूछे तुम कौन बोलू, तो एक झन लड़के तैयार कहते मैं बोलू, और कतेक सुंदर ढंग से बात ल रखीस। हमारे लड़का मन ला भी समझ आना चाहिए, स्कूल के कॉलेज के लड़का मन ला भी समझ आना चाहिए कि नरवा का है गरवा का है घुरवा का है बारी का है, कैसे हमारे समाज में का असर पड़ते। आज पूरा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की चिंता होते, हाई स्कूल और कॉलेज के लड़का मन मार्च कर रहे थे पूरा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग। आज 20 नवंबर हो गए, अभी काकरो कोनो स्वेटर और साल पहन के नहीं आए। दिसंबर हुए उसने मत बीत जाए। तो ये जिन पानी गिरी जून में पहले पानी गिर जाते थे खुर्रा बावत कर लेते हैं, अब कोनो खुर्रा वो बावत नहीं कराए। अब तो जुलाई में धान वो शुरू होते, एक महीना सरक गए हमारे मौसम पहली से आए, मैंने ये दीपावली के बाद से ठंड शुरू हो जाए आदरी से, लेकिन अब अतः पता नहीं है जाड़ कहाँ है तेकर पता नहीं है। धान लो जाए तो पहले भुर्री ताप लेते रहे तब धान लो जाए से, अब धान लो आती आगे लेकिन भुर्री पता नहीं है। तो ये मौसम पर जिन परिवर्तन हो थे काबर हो थे, काबर की धरती के तापमान बढ़ जाते, धरती के तापमान काबर बढ़ते। पहली बात तो प्रदूषण, हमारे उद्योग के प्रदूषण है, हमारे गाड़ी मन के जिन वाहन मन के धुआं है तेकर प्रदूषण है। तीसरा आजकल पैरा जला देते तो दिल्ली वाले मन ज्यादा परेशान है, पंजाब और हरियाणा किसान मन जलावत, और ओकर से बड़े कारण जिन है तेन ये कि तापमान ले कम करना है तो दो चीज तापमान ला कम करते, या तो हवा या पानी। पानी तो हवा तो प्रदूषित हो जाते लेकिन जिन पानी है, आज पहले हम ना सतह के जल तरिया के पानी ला नरवा के पानी ला झिरिया कोड़ के हम ले लेते रहे ओकर, फिर कुआं इस कुआं में जिन जमीन के जिन पानी है तेकर उपयोग करते रहे, लेकिन आजकल कुआं के पानी कोनो नहीं पिया है। अब सीधा ट्यूबवेल करत है, पहले 70-80 फीट में पानी मिल जाते, फिर बढ़ के 125 हुईस 150 हुईस 200 हुईस, रायपुर जैसे जगह में चल रहे तो 600 फीट में पानी नहीं मिला है, और यदि मालवा अंचल में चल रहे तो 900 फीट में पानी नहीं मिला था। तो जमीन के अंदर जिन चट्टान के बीच के जिन पानी लगातार निकाला जाता है जे हमारे चट्टान मतलब ठंडा करके रखत रही से वो खोखला होकर पानी निकाल ले, तो जिन धरती की जिन गर्मी तो बढ़बे करी ना, यदि ठंडा रखना है। मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत जने मन धमतरी के बहुत प्रबुद्ध वर्ग मन बैठे हैं, बहुत जन मन दिल्ली के अक्षरधाम देखे हो गए ना, वहां को एसी लगे का पंखा लगे हैं कूलर लगे हैं, लेकिन ठंडा काबर रहे थे काबर के ऊपर मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े तालाब कर दे चट्टान लग ठंडा रखते थे, कहते थे वो बिल्डिंग तक ठंडा है। तो हम ये जो नरवा जन योजना है तो हम फिर से जल पुनर्भरण की योजना हम लाए, ताकि जब का पानी हम उलीचा था वो पानी फिर से उस धरती के अंदर में जाए, और चट्टान यदि ठंडा रही तो हमारे धरती तक ठंडा रही, ग्लोबल वार्मिंग है तेकर से निजात पाए जा सकते। एक शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से करें, पूरा दुनिया भर केवल अकेला छत्तीसगढ़ भर नहीं है, लेकिन यही रास्ता चले लगे प्रकृति के साथ जैन चील हम ले रहा था ना, वो फिर से वापस करने लगी धरती ल। वेद में ऋग्वेद में ही बात लगे कि जैन धरती से मन ले था जैन चील वो वापस करने लगी, पानी ले था तो पानी वापस करने लगी, यदि हम फसल ले था तो फसल के कोई भी चीज है चाहे वो धान लान चाहे गेहूं लान चना लान वो कोनून कोनू रूप से खेत में वापस करे लागे। खेत में वापस नहीं कर का हुई
ओकर असर का हुई तिलक धमतरी वाला मन से ज्यादा कोनो नहीं जाना है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि फर्टिलाइजर का उपयोग करते तो पंजाब वाला मन करते और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उपयोग होते तो धमतरी में होते होता कि नहीं है। और सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग होता सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड के उपयोग दवाई का उपयोग भी ये धमतरी में होते। अभी 3-4 साल पुराना बात मुझे याद आ थे अतेक दवाई डारी अतेक दवाई डारी तो पैरा तक जहरीला हो गई से गरवल खवा नहीं सकत रही से स्थिति हो गई से धमतरी धमतरी कुरूद गुरूर की स्थिति हिरी से जिन किसान खुद जिन धान लगोए वो धान के चावर लोग खुद नहीं खात रही से वो वाला पंजाब के मन है मनमाने धान उत्पादन करते लेकिन चावल छत्तीसगढ़ के जैसे तेला खाते पंजाब के चावल नहीं खाए। ये स्थिति कहां पर निर्मित होते ये निर्मित ये पैक होते कि हमन कंपोस्ट खाद के उपयोग कम कर दे फर्टिलाइजर के उपयोग ज्यादा करे तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कम होते और वो स्थिति हमन का है धान लग उत्पादन करते ठीक है लेकिन पैरा लग हमने या तो जला देथन या फेंक देथन एक से नुकसान का होते यदि ही पैरल हम कंपोस्ट खाद वर्मी खाद के रूप में उपयोग करें तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बने रही हमारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के उपयोग भी कम करे पड़ी हमारे कृषि लागत भी कम हुई और उत्पादन बराबर मिले और जिन अनाज या फल या सब्जी जिन उत्पादन हुई वो जहरीला नहीं हो वो हमारे शरीर में फायदामंद हुई। अभी जिन अनाज लेथन या फल सब्जी लेते हम का दवाई डला है और हमारे शरीर में का प्रभाव पड़े तेकर अंदाजा हमारा नहीं है। बड़े बड़े बीमारी मन हो जाते पहले अतका बीमारी नहीं होती जतका बीमारी अभी होते उगर स्थिति ये जिन गौठान योजना है यदि हम पैरल माटी या पानी डाल देना उनमें थोड़ा बहुत यूरिया छिड़क दें थोड़ा गोबर पानी छींच दें तो कंपोस्ट खाद बन सकते यदि गौठान में इकट्ठा कर लेथन और गौठान में इकट्ठा करने के बाद मवेशी के जिन गोबर पेशाब वो में मिली तो वर्मी खाद बनी और वर्मी खाद 10 रुपए किलो में पैकेट में बेचा थे वही वर्मी खाद का उपयोग हमन करबो तो हमारी कृषि लागत कम हुई और धरती माता जिन चीज हमन लेथन वो वापस करे की प्रक्रिया हुई और वो आने वाला पीढ़ी पर वो बहुत उपयोगी हुई। पर्यावरण से आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है एक समय रही से जब आदमी मटकक पानी पीलत रही से होलक पानी पियत रही से आज हमारे टेबल में बोतल के पानी रखा है पहले 10-20 साल पहले बोतल के पानी नहीं रखा रही से लेकिन अब बोतल के पानी आ गए। और दिल्ली वालम का होते दिल्ली वाला मन आज लोकसभा में देखे नहीं मास्क पहन के लोकसभा गए जन सांसद दिल्ली का हवा आपका जहरीला हो गए तो सांस लेना दुभर हो गए। अब कुछ दिन बाद दिल्ली में ऑक्सीजन बार खुली अब यहां से सकते हैं ऑक्सीजन जैसे अभी पानी की बोतल है जैसे ऑक्सीजन की बोतल रह रही जब दिल्ली में शुरू हो गए तो धमतरी भी शुरू हो सकते हैं। यदि प्रदूषण से बचना है हमला पर्यावरण बचा के रखना है तो पैरा जलाना बंद कराओ और जिन पैरा है हमारे गौठान ला दान कर दो वो खातों के रूप में तुम्हारे खेत में जाए। थोड़ा सावधानी हमार ये जन इतर बारे में मैं इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखे रहे हैं पूरा दिल्ली के पत्रकार मन अभी जब दे रहे थे बारे में चर्चा कर रहे थे कैसे ढंग से पराली के थे हमारे पराला ओकर कैसे ढंग से विनियोजन करना है बहुत आगे लगा देते। मैं कह भाई एक तो किसान धान के पैसे नहीं दे सकते हैं और ओकर से ऊपर कहा सकते हैं वो जलामत FIR हो जाएगी सब चीज कानून व्यवस्था नहीं चला कानून तो बहुत बने हैं पालन करिए व्यक्ति होते समाज होते ऐसे कानून बनाए जो पालन कर सके। अब पराली पैरा उन्हें जलाएगा आदेश कर दे तो वो कहा थे प्रधान से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक का जिम्मेदार हुई अब वो गांव के जो सरपंच थे कौन आगे लगा तेरे खार में बैठे रही सरपंच का संभव है एक खार में बैठे रही दूसरे खार में आगे लगा दी सरपंच का दोनों जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करे ये संभव नहीं।
लेकिन वो पैरा अलग कंपोस्ट खाद बनाए के कामला हर किसान कर सकते और वही पैकादम के मरेगा जैसे जिन कार्य है पहला कृषि कार्य से जोड़े जाना चाहिए। ये सुझाव हम देख और हमारे यहां ये गौठान योजना जो शुरू करें तेकर कारण ही है रहे और गौठान में जिन कंपोस्ट खाद है वर्मी खाद है चार पैसा कमाए जिन समिति में काम कर रहे थे जिन चरवाहे तेनों चार पैसा मिले हमन है वही पैके हर गौठान ल 10,000 रुपए प्रति माह दे के फैसला करें ताकि वहां जिन काम कर रहे थे तेल कुछ न कुछ मिला रहा। साथ ही यू कहना चाहते हैं जिन चरवाहा थे मतलब सरकार देती तो तुम देना मन मत कराओ वो चरवाही दे लागी गरवा के और वो परिवार है ना जब ज्यादा पैसे जेन जेन चीज में पैसा मिली वो काम पर आज भी दौड़ के आई आज गांव चरवाहा का भी नहीं मिला है ये पैके चरवाही जटका देते तो मैंने एकड़ पीछे दे चाहे गरवा पीछे दे तो वो अपन परिवार ल नहीं पा सका थे वो पैसा मिलना चाहिए और सरकार जैसे तीनों पैसा कर कर जाना चाहिए। साथ ही गौठान समिति में जिन पैसा इनकम हुई चाहे कंपोस्ट खाद हो चाहे वर्मी खाद है वह का हिस्सा मिलना चाहिए। तो गरवर बांध के रखबो वो चारा देवो अगर पानी की व्यवस्था करवो तो हमारे खेती किसानी भी बची और हमारे जिन पर्यावरण है तीनों सुधार हुई ये योजना है। तो नरवा गरवा घुरवा बारी लेख संग्रह बता दें गांव साफ सुथर तक रही और ये केवल गांव भर भर है धमतरीन तक गौशाला खोला तो माना कहा कलेक्टर साहब गाड़ा खोलेगा एक गौठान यहाँ गौशाला है शहर में मवेशी घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिए भाई शहर में है? हाँ वो एक साथ एक के संग्रह नहीं हो सका है ये अत्यंत बड़ी योजना है जिन्हें छत्तीसगढ़ में हमेशा फरवरी के बाद खासकर होली त्योहार माने के बाद पूरा गर्भवती ढिल्ला रहते हैं अब बोला हम परिवर्तन कर रहे थे तो दो चार महीना काम न है और एक गांव होती है एक शहर को होती तब वो किए जा सकते लेकिन ये मील के पत्थर साबित हुई छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था सुधारे बार समाज की व्यवस्था सुधारे बार ये मील के पत्थर साबित हुई। अभी धूप आइडिल धूप आइडिल सुपोषण के नाम हम उन तो जाना थे बस्तर के नजदीक में हैं कहते कब का दूर है एक डोंगरी पार है कुकुरू बांध ये धूप आइडिल ना क्या धूप आइडिल वन नहीं समझना ये धूप आइडिल ऐसे कब को याद है तुम्हारा धूप आइडिल में पांव भर रखना है तुम्हारा कई किलोमीटर चल बहुत सुंदर नाम रखे धूप आइडिल हमारे जिन छत्तीसगढ़ी जिन भावना है ना ये डोंगरी पार और कुकड़ी उड़ान तो इसने धूप आइडिल तक खा गए एक लाभ हमारे मिलना चाहिए समाज में जागरूकता आना चाहिए। सुपोषण में केवल भोजन भर पर्याप्त नहीं है स्वच्छता भी बहुत जरूरी है भोजन पकाए पहले हाथ साफ होना चाहिए लेकर यदि तट्टी पे साफ कर दी तो कर बाद महतारी मैंने तो कर साफ सफाई ला और उसके बाद फिर खाना पकाए डल ले तो हाथ गंदा है तो भोजन फिर खराब हो जाए तो ये सब चीज में छोटे छोटे चीज में ध्यान रखबो तो हमारे छत्तीसगढ़ स्वच्छ हुई छत्तीसगढ़ के लड़का मन है मजबूत हुई शारीरिक रूप से मानसिक रूप से शिक्षा की ओर हमारे ध्यान देना है और अभी बहुत बढ़िया काम जिला प्रशासन की ओर से हो है वो युवा उदय के अभियान शुरू करे जिन 208 लड़का वायुसेना के भर्ती में मन पास हुए बहुत बढ़िया जतेल भी हमारे देश भर में जिन भर्ती प्रक्रिया हो थे उकर जानकारी उकर बर ट्रेनिंग उकर बर कोचिंग और अभियान में यदि समाज और शासन यदि जुड़ के करे थे तो लड़का मन के रोजगार पर एक बहुत बढ़िया अवसर तेकर बर भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ शुभकामना देता हूँ ये प्रकार की योजना ये अपन से हो कि यहाँ के कलेक्टर एक शुरुआत करे है ये योजना ठीक ढंग से निकर प्रस्ताव दे तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश में लागू किए जा सकते जलराज जी के नाम से हम समर्पित कर दो। अभी जिन सबसे ज्यादा जिन विषय में चर्चा है बहुत जन मोर तरफ देखा थे बोला कुछ नहीं है भैया दूसर दूसर बात ला बोला थे मुख्य बात यह है धान
धान के खरीदी और ओकर पैसा अभी जन बात है। ये तो राइस मिल के नगरी है धमतरी, धान खरीदी के केंद्र ने आप सब ये बात का बहुत अच्छा जाना था कि धान खरीदी हो चाहे गेहूं खरीदी हो चाहे अनाज की जेन भी खरीदी की व्यवस्था है वो एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार करते हैं। राज्य सरकार मन भी ओकर सहयोग पर अलग अलग एजेंसी तय करे। हमारे छत्तीसगढ़ में मार्केटिंग फेडरेशन है जेकर माध्यम से धान लग खरीदे जाते और फिर वो भारत सरकार ले मिलिंग करके राइस मिलर में ला देते धान ला मिलिंग करते ओकर बाद एफसीआई देते। हमन यदि चावल भी हमारे पीडीएस सिस्टम भी देते तो भारत सरकार अलॉट करते तेने फिर हम पैसा मिला के फिर हितग्राही मन तक पहुंचाथन। तो योजना भारत सरकार के लेकिन अब कह कहा थे कि जेम राज्य है यदि बोनस दी वहां के चावल ला नहीं खरीदा। हम अंत पिछले दो साल तो अनुमति दे रहे थे, साल का बनी दस। अब सवाल ये बात कि अभी कोई चुनाव नहीं है, चुनाव होते तो दे देते लेकिन हमन तो वचन दें कि हम किसान मन ला हर साल 2500 रुपये देवो धान के। लेकिन भारत सरकार रंगा लगा के आज लोकसभा में हमारे कांग्रेस संसदीय दल के ये नेता अधीर रंजन चौधरी जी ये मामला उठाए रहे थे, राज्यसभा में छाया वर्मा जी और हमारे प्रभारी पीएल पुनिया जी यमन उठाए रहे थे कि यदि हमन बोनस देथन तो ते चावल का काबर नहीं खरीद दे, हमन धान ला खरीद सन ते हमारे चावल ला खरीद और ये कोई पहली साल नहीं करा था हर साल के व्यवस्था है। तो चावल यदि नहीं खरीदी तो चावल ही मारे रही तो चावल सड़ेगी, अनाज के अतिक अपमान काबर करा थे। यदि मैं खाद्य मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, कृषि मंत्री भी मिले और पेट्रोलियम मंत्री भी मिले, मैं कहें यदि देश में चावल ज्यादा है, गेहूं ज्यादा है, मक्का ज्यादा है तो उनका रखे जगह नहीं है तो आज पूरा दुनिया में 20% तक के जैसे ऊर्जा विभाग में हमन ग्रीन एनर्जी लेथन, अभी ताप विद्युत गृह है ओकर से बिजली आते लेकिन ओकर अलावा भी जिन गैर पारंपरिक जिन ऊर्जा है जो ग्रीन एनर्जी के तहत जो सोलर को एनर्जी है हाइड्रो के या भूसा से जिन बनाया थे वो ला हमला मिलायल पड़ते अनिवार्य रूप से। उसी प्रकार से पूरा दुनिया में तय करे कि 20% बायोफ्यूल होना चाहिए, तो बायोफ्यूल होना चाहिए। अभी तक देश दुनिया में केवल 6% तक मिला थे, 14% के गैप है। मैं कहें तो चावल ज्यादा हो गए, इंदिरा गांधी हरित क्रांति शुरू कर रही से वो समय अनाज की कमी पड़ रही थी, दुनिया हम उधार लेते रहे नहीं, अब खरीद के ला के आज यहां खवाते रहे। आज किसान मन मेहनत करके अधिक उत्पादन कर दे कि यहां यदि अनाज के थप्पे कर दे तो यहां चंद्रमा तक के और चंद्रमा से धरती तक के फिर अधिक अनाज एक उत्पादन करे है। किसान मन तो अपमान नहीं होना चाहिए बल्कि सम्मान होना चाहिए, किसान लागत के मूल्य भी मिला है लेकिन सरकार ला भी बोझ मत मिले। तो मैं प्रधानमंत्री भी प्रस्ताव भेजे कि बायोफ्यूल इथेनॉल बना दिया जाए और बोला हम जब तक पेट्रोल है डीजल जब मिलाथन ते मिलाथन तो हमार विदेशी धन भी बची और किसान ला कीमत भी मिली, एफसीआई में रखे जगह नहीं ओकरो निराकरण हुई। तो ये योजना में लेके दे हमें तो कहते बहुत बढ़िया योजना भूपेश भाई, लोगों नवा फैक्ट्री खुली तो लोगों रोजगार भी मिले, व्यवसायी मन के नगरी है तो नवा व्यवसाय भी आप मतलब खुले मिले। एक आठक प्लान तो यूं हो जाना चाहिए इथेनॉल के खुले नहीं खुला, राइस मिल मन बरबर मनमानी नहीं हो सके लिमिटेड हो ही वह लेकिन वो खुलना चाहिए। उनका रेट तय करे पर हम कहें तो अगर वह तैयार है लेकिन कब करी तो पता नहीं है लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हर हालत में किसान के जेब में 2500 रुपये यही ये मंच तो बात है धमतरी मंच से बोल के जाते हैं। भारत सरकार चाहे कोनो प्रकार के हमारा अड़चन डाला थे हम ओकर बार बार प्रधानमंत्री मिले समय मांगा था नहीं मिला थे,
कृषि मंत्री से मिले, खाद्य मंत्री से दो बार हो गए, दस दस बार हो गई चिट्ठी लिखा, लेकिन ओकर बाद भी अभी लोकसभा में भी बात उठ गए तो हमला अनुमति दे रहे ना भाई, काबर नहीं दे सर। हम तो तेरे पैसा नहीं मांगा सर, हमारे खजाना से हम पैसा देना चाहते तो रोकत काबर हस, ये महत्वपूर्ण बात है। तो यही बात ला मैं कहना चाहता हूं, एक बार आप सबके सहयोग समर्थन मिले, लगभग 10 लाख किसान मन हस्ताक्षर करके अभी तक के पीसीसी में जमा कर दिए हैं, आगे भी समर्थन मिले थे, आप मन के समर्थन भर रहा है तो हम काकड़ों से लड़े भर रहे, हम पीछे नहीं हटाने, ये बात मानता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ के हक पर, किसान के मजदूर के हक पर हम हमेशा तैयार हैं। कुछ बात अभी हमारे ललवानी जी मांग रखे हैं, कहां जो करके चिट्ठी गया, पहली बात है सड़क की भी मांग है, कोलियारी करेगा दोनों जोरा तरह मार्ग, एक गड्ढा भरे काम है तभी तत्काल करवाए शुरू कर दे, और ये निर्माण पर निश्चित रूप से ये हम स्वीकृति प्रदान करबो, ताकि बहुप्रतीक्षित मांग है, ये हम स्वीकृति प्रदान करबो, ये विश्वास दिलाते हुए जिन पुराना जिन मंडी है एग्रोटेक बन कहा है, कलेक्टर साहब ने दिया था ना, ये है सर, मंत्री ने हमेशा सब्जी धान बीज उर्वरक दवाई कृषि उपकरण के हमेशा आवश्यकता बना रही थी, एक पूर्ति सुनिश्चित करे बर एग्रो माल की स्थापना की घोषणा कर रहे थे, ताकि बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहता हूं कि कुछ नौजवान लड़का मन है आजकल जिन दवाई आते खेत में बहुत प्रकार की बीमारी लगती फल सब्जी में या धान में, तो कोनो कांटेक्ट में आते तब उपकीड़ावन मरते, कोनो जब गैस होते तब वो कीड़ावन मरते, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के दवाई मन के छिड़काव रहते, लेकिन किसान मन के कर एक ऐसा स्प्रेयर रहते वही निश्चित थे। तो आजकल ऐसा मन के उपकरण भी बड़े मात्रा में ये एग्रो माल में रखा है, और ट्रेंड रहा है हमारे लड़का मन है, और किसान के ऑर्डर दे लड़का मन जाकर खेत में छींट के आ जाए, कुछ लोगों को रोजगार भी मिले और सही प्रकार के दवाई के छिड़काव भी खेत में हो सका है, ये तो व्यवस्था हमें करना चाहिए। और ये एग्रो मालवेयर की घोषणा कर रहा था, साथ ही नया मंडी है जिसमें सीसी रोड के निर्माण की मांग है, ओकरों में घोषणा कर रहा था, ताकि किसान मल्ला व्यापारी मल्ला कोनो प्रकार के परेशानी न हो, और ये मतलब पट्टा मिला थे वो सब लग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत देर से मोर भाषण तुम्हें सुना था और सोचा था कब कब कर भाषण सिराई, तो अब मैं समाप्त करे के घोषणा करे, पहली कुछ योजना है जिसके बारे में आप मन जानकारी अभी दे थे, छत्तीसगढ़ बने तब से सबसे पहली बात तो राजिम कुंडी मेला करें, पहली कुंभ मेला कर दी से, तेकर बाद हरेली छुट्टी, ओकर बाद तीजा की छुट्टी, तेकर बाद विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, अभी गौठान दिवस भी मनाए हमन गोवर्धन पूजा के दिन, ओकर बाद अभी कर्मा जयंती आते ओकर बाद छुट्टी, हमारे छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है ओला बढ़ाए बर छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है, साथ ही ऋण माफी के साथ 25 रुपये क्विंटल धान 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करें, ओकर लाभ मिलत नहीं हो, बिजली बिल तो ज्यादा नहीं आते, 400 यूनिट तक छूट मिले थे नहीं, तो ओकर लाभ आप मिला 35 किलो चावल सब सबके राशन कार्ड बन गए, के जन के नहीं काकर नहीं बने बताते, तो राशन कार्ड नहीं बने, अरे तो मूल देखा ना हाथ भर दिखा थे का नाम तो है, तो राशन कार्ड नहीं बने, तो घर के सियान कौन हो रहे,
तोर मम्मी है ओकर नाम से बने राशन कार्ड, ये नाम लिखा था कर। और कौन कौन है इसमें? एपीएल के राशन कार्ड भी, बीपीएल के, एपीएल के जाग बनवाते हैं नाम लिखवा। हम तो एपीएल के राशन कार्ड ले पाए बनाए कि कोनो परिवार छूटे मत, कोटवार से लेकर कलेक्टर तक सबको राशन कार्ड होना चाहिए। हाँ तो का हो गरीबी रेखा का हो तो सर्वे सूचि नाम हो तभी बनी है। मिट्टी तेल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिली मिट्टी तेल, राशन कार्ड भी तभी मिट्टी तेल मिली, अंधेरी कार्ड मिली तो यह बीपीएल कार्ड वाले बन रही थे, एपीएल के कार्ड नहीं मिली थे, शक्कर भी मिली मिट्टी तेल भी मिली, डिमांड है जरूर भी मिली उन्हें कहा है डिमांड है जरूर मिली कावर नहीं मिली। साथ ही जिन हेल्थ के क्षेत्र में बड़े काम करे हैं कि 5 लाख तक के जबका बहुत अकन योजना चला थी जो सब योजना एक में मिला दे हैं, एक एक कार्ड है, नहीं तो आदमी ये बीमारी है तो काकर कर जान, वो बीमारी तो काकर कर जान, ये परेशानी रही तो सब एक साथ कर दें। और वो जिन योजना है तेन छत्तीसगढ़ के स्वप्न दर्शन डॉक्टर खूब चंद बघेल के नाम से रखे गए है, और वो योजना कार्ड में सबों प्रकार के बीमारी के इलाज की सहूलियत सरकार की तरफ से हुई। लेकिन उकर अलावा भी बड़े बीमारी जिन्हें 5 लाख तक के जीवन कवर नहीं होते इसे, वो योजना के तहत हम 20 लाख तक के पूरे हिंदुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ राज्य है जिन 20 लाख तक के इलाज करे बस पैसा दी, ये योजना पूरे हिंदुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ है जेकर शुरुआत यह हम करें। और एक आखिरी बात, अभी राज्योत्सव में हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मतलब खूब मौका दे रहे हैं, बहुत अन कलाकारों की जिंदगी में पहली बार हम अना राज्योत्सव आया ना मतलब मंच मिली से, लेकिन उगरे साथ साथ डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा रचित जिन गीत है अर्प पैरी के धार महानदी अपार इंद्रावती है पखारे तोर पैया जय जय छत्तीसगढ़ मैया राजगीत के रूप में एलस घोषित करे हैं। तो आप सब लोग एक बधाई देते हुए शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। नरवा गरवा घुरवा और बारी के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ का समुचित विकास कर श्री अमरदीप साहब।